मेरा नाम आकृति है और अभी ही मेरी ही कल रात को मिडनाइट में डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी। मेरे मन में ये बात थी कि मेरा जो बेबी होगा वो सारा सिजेरियन के प्रोसीजर से ही होगा, क्योंकि मैंने काफी जगह अपने और भी डॉक्टर्स को दिखाया था, तब उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि आपका जो बेबी है, आपके जो बेबी का वेट है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हम सिजेरियन ही करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई सीधा कल्पना मैम के पास, उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोला था कि बेटा हम लोग सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी पे ज्यादा फोकस रखते हैं। कल का भी ऐसे ही था, मेरी मिडनाइट की डिलीवरी थी और इतना मैंने उनको कल इतना ट्रबल करवाया है, पूरे स्टाफ को इतना ट्रबल करवाया है। मेरे डिलीवरी के टाइम पे मैंने जस्ट उनको बोला कि आप प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दो, फिर भी पूरे स्टाफ ने, कल्पना मैम ने मेरा नॉर्मल करवाया है, मेरा पूरा जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल है। इवन मैंने तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम सबके हाथ पैर पकड़ लिए थे कि नहीं आप प्लीज मेरा सिजेरियन नहीं करो, सिजेरियन नहीं करो, लेकिन कल्पना मैम ने और पूरे ही स्टाफ ने इतना ट्राई किया है, इतना अच्छा किया है कि आज वो पोजीशन है कि मैं नॉर्मल ही करा के बैठी हूँ, सिजेरियन नहीं हुआ मेरा। थैंक यू सो मच मैम मेरा नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, और पूरे स्टाफ को थैंक यू, और इतना मतलब कोऑपरेट किया है मेरे साथ कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है पूरे स्टाफ को थैंक यू करने के अलावा। थैंक यू सो मच।